हेलो फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूँ खूब सारी मेथी लेके, और इसमें बाजरा, गेहूं का आटा और जौ का आटा मैं इसमें यूज़ करूँगी, तीनों इक्वल क्वांटिटी में। थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्ची तीखी वाली डालूँगी। तो सबसे पहले मैं लहसुन को अच्छे से क्लियर करके उसको फाइन चॉप करूँगी। हाथ से ही काटना चाहूँगी, मशीन में करने से थोड़ा टेस्ट कम हो जाएगा। तो मैं इसको, लहसुन का फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, आप चाहें तो आप नहीं डालना चाहे तो आप न डालें। इसमें हरी मिर्ची ज़रूर डालें। और इसको मैं आटे पे शिफ्ट कर देती हूँ। अब मैं फाइन चॉप कर रही हूँ हरी मेथी को, और थोड़ा सा चॉपर में भी कर लेते हैं कभी कभी, तो मैं इसको चॉपर में शिफ्ट कर लेती हूँ। मोटी मोटी जो डंडियाँ वो इसमें रह जाएंगी, वो चॉप नहीं होंगी तो उसको हम निकाल देंगे। और ये बहुत अच्छी फाइन चॉपिंग हो चुकी है। और अब मैं इसके अंदर थोड़ी मोटी डंडियाँ, अदरक भी थोड़ा सा घी अगस कर रही हूँ क्योंकि और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो फाइन चॉप करने के बाद भी थोड़ी डंडियाँ रह जाएंगी, मैं निकाल दूँगी। तो ये जो डो बना रहे हैं, बाजरा, जौ और आटा गेहूं का, इसके तीनों मैंने इक्वल क्वांटिटी में लिए हैं। तो इसमें अब मैं स्पाइसेस डालने जा रही हूँ। आप इसकी परांठा भी बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, पूड़ी भी। सबसे पहले मैंने डाला नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी भी डाल रही हूँ, और सूखा धनिया 2 चम्मच डाल दिया मैंने। हल्दी हल्की सी इसलिए डाली, थोड़ा सा ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। पहले मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें दही भी डाल सकते हैं, दही से सॉफ्ट बनेगी रोटी। डो हम इसका टाइट ही लगाएंगे, थोड़ा सा मीडियम टाइट डो रखने से, क्योंकि इसमें नमक डाला हुआ है तो इसलिए नरम ना हो जाए आटा, क्योंकि थोड़ी सी रोटी टूटती है, बिखरती है, क्योंकि इसमें बाजरे का आटा भी है, मोटे ग्रेन्स हैं तीनों के तीन, दो इसमें बाजरा और जौ खास करके मोटे ग्रेन हैं, तो रोटी थोड़ी टूटती भी है। तो डो मैं टाइट रखूँगी, और आप चाहें तो अगर आपको दिक्कत हो बेलने में, क्योंकि इसमें गेहूं का डाला है तो थोड़ा ग्लूटन की वजह से थोड़ा बन जाएगी, अगर दिक्कत हो आप दो पॉलीथीन्स के या बटर पेपर के बीच में बेल के भी कर सकते हैं। तो तवा हमारा हो चुका है गर्म, और इसके मैं बना रही जा रही हूँ परांठे। हल्के हल्के से घी लगा के ही बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा घी नहीं लगा रही। तो आप इसकी पूड़ी बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनेगी, और साथ में आप इसका अगर फुल्का भी बनाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। और जी मैं हल्का सा घी लगाया है, बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाया, बस हल्का सी कोटिंग ही करी है, और उतार के क्योंकि मैं बटर लगाने जा रही हूँ, गोल्डन ब्राउन अच्छे से कर लेंगे। और देखिए ऑलमोस्ट हो गया है, अब प्लेट में इसको शिफ्ट करूँगी। ये देखिए खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि हल्की हल्की मेथी की भी खुशबू आ रही है, और मल्टीग्रेन तो है ही, तो ये थोड़ा कुरकुरा परांठा बनता है। आप इसमें थोड़ा दही भी डाल सकते हैं। तो प्लेट पे मैंने शिफ्ट कर दिया, अचार और खूब सारे मक्खन के साथ सर्व कर रही हूँ। उम्मीद